यूनिफॉर्म सिविल कोड चेत कना नो यूनिफॉर्म सिविल कोड चेत यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी को हित लगित कना देला नो को कुपली रना तेलाबन बड़ा लगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां मिना नो आदिवासी को लगी तिना बेसा और तिना बड़ी कना नो बहुत फर्क लाइबी देखो मिट्टी सिरे ते अलिन सीधा सीधी माने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिन मेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दो नवा शेड्यूल एरिया रे शेड्यूल ट्राइब्स लगित ते एकाल गे नवा दो बाय लगु चेदा से कॉन्स्टिट्यूशन नंकन प्रोविजन बाय एलाया तो नवा जदी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड अगुई है इनखन चेत मकसद ते अगुई है नवा मणांग बुझा हुई हुआ तो नवा अबो नवा नितो हरि ना बांग बन बुझा न्या मका ते तेहन विरोध अडी केटेज तेहन नवा न्यूज बाहरे चला इन पोरे ना आदिवासी को ठिकाया जे यूनिफॉर्म सिविल कोड तिना खतरनाक यूनिफॉर्म सिविल कोड हेज लेन खान अब जहाँ तक एग्जिस्टिंग लॉ मेना आदिवासी व्यवस्था रूढ़ी प्रथा चाहे सुप्रीम कोर्ट अड़ीगान हासा संबंधित प्रोटेक्शन कानून मेना सी एन टी एस पी टी मेना एट्रोसिटी एक्ट मेना विल्किंसन रूल मेना तो नौकाना सनाम जहाँ कानून मेना अधिकार मेना नवा को यूसीसी हेज लेनखान सनाम कानून मित सिरेते चाबा उतरुआ तो यूसीसी उना खतरनाक कानून कना अदो ओनाते तेहेन कोल्हान स्तर रेना जहाँ गे नोयना नवा सेमिनार हुयुग कना नवा सेमिनार रे नवा गे कथा विचार मिलेना जे नवा अड़ी जोरदार विरोध हुयुआ आर सरकार जुदी बाय चेंगा आय नवा शीत सत्र ते नवा मानसून सत्र रे एनखान हिजुकान शीत सत्र तेज पूरा भारत रे मिट्टी जन आंदोलन खड़ा पूरा जन आंदोलन खड़ा दो लेम दिसम उथल पुथल उतर चाहे आदिवासी मित सहा आको और गैर आदिवासी एक साथ और पूंजीपति एक्सपोज आको कि जे नवा दो पूंजीपति इशारा तेगे तेहेन नवा दो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगु देखो नोडे मिट्टी एडी मारंग साजिश चला सनाम ट्राइबल राइट्स चबा लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी नवा दो बाय चबाया लेकिन आईपीसी रे उनकन प्रोविजन मेना सेक्शन 5 तहत रे शेड्यूल एरिया रे बाय लगा शेड्यूल ट्राइब्स चितान रे बाय लगा आईपीसी सेक्शन 5 आईपीसी आगे 26 टी सेक्शन नितो छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पेशा कानून तहत रे नियमवली बनाओ कतरे अगू किया माने माने आदिवासी के एम्पावरमेंट लगित ते आईपीसी रेना अड़िगान धारा नोडेकन ये किया डाइल्यूट किया तो आदिवासी के पावरमेंट इम्पावर लगित ते अड़िगान कानून नोते जुदी आज गवर्नमेंट नोडे बनावे इनखान यूनिफॉर्म सिविल कोड ते नवा चाबा रेना होय कमी है तो अड़ी मारंग नवा साजिश कना माने दो धारी सांप लेका कमी है माने स्टेट गवर्नमेंट नोते बनाव चोय कना और सेंट्रल गवर्नमेंट हंते खोन नवा रपूर रेना 370 रपूर लेका गे नवा हो रपूर लगित ते एक्चुअल फोकस दो नोडे दो आदिवासी हासा और मिनरल्स नवा लुटव लगित ते यूनिफॉर्म सिविल कोड अगू करते सनाम लेकाना नवा आदिवासी राइट्स जहाँ मेना नवा को नेस्तनाबूते नवा कना मेन खेला नवा नवा लहाते गे नवा 2004-05 करे नोडे जिंदल और भूषण किन हेज लेना मित्तल हेज लेना मेकाने हेज लेना तो सनाम कंपनी नोडे खोन को लगा अचोयना और लगा अचोयना और जगह बांको जाम लेया चेदा से नोडे अड़िगान एक्ट मेना और नवा एक्ट खातिर ते नोडे जहाँ गे पूंजीपति हासा बाको नामेया और हासा बाको नामेत खातिर ते उनको को नेले कि जब तक ये कानून रहेगा आदिवासियों से जमीन नहीं ले सकते हैं इसलिए संविधान का हवाला देकर आदिवासी को बुड़बक बनाया जा सकता है डराया जा सकता है बाकी तो फोर्स मिलिट्री चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ बाकी पुलिस के द्वारा इनको डंडा मार के जमीन लिया जा सकता है कानून यदि बदलाव हो जाए तो ये मुख्य मकसद है पूंजीपतियों का तो पूंजीपति के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है जनताओं के लिए नहीं जनता को तो बुड़बक है जनता को तो मालूम ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से एक डंडा में अब भैंस को भी मरिएगा वही डंडा से बैल को भी मरिएगा वही डंडा से बकरी को भी मरिएगा ऐसे थोड़े होता है हर आदमी के लिए अलग अलग डंडा होता है भैंसा के लिए थोड़ा मोटा होता है गाय बैल के लिए थोड़ा पतला होता है बकरी के लिए तो और छोटा पतला होता है तो सबके लिए तुम एक ही डंडा से चलाएंगे मोदी साहब तो ऐसा गुजरात में भी नहीं हुआ है गुजरात में आज भी आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में आज एक जिला जो है आज भी भारत में नहीं मिला ये सच्चाई गुजरात वाले क्यों नहीं बताते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए पड़े हुए हैं कि आदिवासी के जमीन के नीचे में खनिज संपदा भरा हुआ है मेन लड़ाई ये है
तो अमित शाह और मोदी जी का क्या लड़ाई यही है, पूंजीपतियों के लिए लड़ रहा है, देश के आम जनताओं से कोई लेना देना उसका नहीं है। ये अब समझने वाली बात है, एक लड़ाई है ऐसे नीतिगत। यदि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, मान लिया हम लड़ते लड़ते कानून ला ही दिए, एक ही चीज़ है, हम लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे, नॉन कॉपरेशन में चले जाएंगे। अब ये पॉलिटिशियन लोग जो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बको में नहीं आ पॉलिटिशियन चेदा बाय में नहीं आए चेदा से पूंजीपति पूछते उन्हें तिंगू कानते दड़ेगा कना इन्हें खान उन्हें उका खोने में सीधा सा प्रॉब्लम नोड़े में ना तो इन्हें खान सीधा सीधी भाई अब नोड़े पूंजीपति नवे जो तेज सहयोग ते कार्यक्रम हो तो नवा बुझे हुआ जे पूंजीपति जहाँ तीन दिन सहयोग बन हतावा उन दिन दो लड़ाई बांग दाड़े जहाँ हिलोग आदिवासी पूंजीपति खन को बाहर ना लड़ाई आदिवासी इतिहास बना पूरा भारत रे आदिवासी सा लड़ाई रे दो बाको दाड़े और नितोग समय रे दो इंटरनेट और एजुकेशन मेना और नवा मेना अलिया पतिया मेना दाड़े आदिवासी अकोटा रोड खन एहोब कतेन पूरा एकदम विधानसभा राज्य लोकसभा हरी नवा लड़ाई लड़ा और जितकर अकोटा नवा कानून तो पूंजीपति नितोग रे दरकार के मेना मेनखान नित आदिवासी चिका ओना रे को डेवलप पा अभी ना उहरते अलीना उयर ते दो आदिवासी डेवलप रेना दो आदिवासी हो मेने आ जे आम हो उनी लेकर तड़म में जदी दिसम बिजनेस मेने चलावे आ इने खान बिजनेस मेन बिना होयुआ सीधा सा कथा आदिवासी हो बिजनेस रेना गो होयो आदिवासी टेन दो रिसोर्स मेना उनी टेन जमीन मेना हसा मेना तो आदिवासी दो अड़ी लोगन पूंजीपति बनाव दड़े आए आदि लोगों ने लहा दड़े आए और जुदी उन्हें इकोनॉमिकल डेवलप तय हुई लेन खान उन्हें दो जेते लेकर आईन कानून नुआ को आज अब मैंने को आर्थिक विकास बांग हुई मैं कहा नौकरी चक्री में अब उन होड़ा आड़ी गान में मैं कहा उन्हें विकास बांग हुई करना चाहिए नौकरी चक्री तो विकास थोड़ी हुई हुआ नौकरी मैंने नौकर बिजनेसमैन तेहन 3% बिजनेसमैन के दिसम तेहन को उनको पैसे तेगे दिसम चला करना 3% तो अलीज मेने अब नोड़े 7.5% ट्राइबल में बोना आदिवासी में बोना जुदी 7.5% ठेन हसा और रिसोर्स में जुदी अब जिनिस अब कंट्रोल और संसाधन उपयोग अब जहाँ रिसोर्स में एनखान नुक पूंजीपति चेक को चेका नौकरी लगे अब को आंदोलन बा तो नवा जिनिस अब उयर हुआ यूथ को यूथ यंग जनरेशन को जे यदि पासा पलटी सना बना इन खान अब उद्यमी बना हुआ हमको भी पूंजीपति बनना होगा यही है रास्ता है बहुत आसान रास्ता है। महात्मा गांधी को जब अंग्रेज ने नहीं डरा सका तो हमको भी उसका रास्ता अपनाना होगा। हम इसको सीधा करने के लिए बहुत आसान रास्ता है, हम चुटकी में इसको हम घुटना टिकवा सकते हैं सरकार को चुटकी में टिकवा सकते हैं। यदि आदिवासी जिस दिन ठन लेगा और समझ गए केवल अपना संसाधन को कंट्रोल कर ले क्या बाबा जी का चावल खाएंगे, बाबा जी के पास वो चावल नहीं है, अरे धाने से ना चावल होगा जी, तो धन मेरे पास है गेहूं मेरे पास है, तो धन और गेहूं जब मेरे पास है तो हम देश को हम चला सकते हैं खिला सकते हैं और उसको भूखे भी मार सकते हैं, इसीलिए आदिवासी लड़ाई जीतेगा।